माता जी आदरणीय नरेंद्र जी बहुत दुखी हो गए फिल्मों से बाहर। फिर मेरे डैडी फिल्मों में थे, गुरु कृपा में जिस वक्त उन्हें पता चला कि मैं हूँ, तो वो कहे गए नाम गोविंद रखना ताकि आपके जितने भी कष्ट है वो निकाल देंगे। मैं जिस वक्त आया स्ट्रगल कर रहा था तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत से विचार मैंने देखे। अमुख अपनी सोच लिए हुए बैठे रहते हैं, तो 3 घंटा जाओ तो ऑफिस में बैठे रहना। उनका वो सिस्टम था जो मैं कैसे जाके दे आता था नौकरों के मुझे हाथ में जो काम वहाँ पे होते थे। जहाँ जहाँ गया कम से कम ये तो हुआ कि जो जो काम नहीं दे पा रहे थे वो कम से कम चाय पूछना शुरू हो गया। तो ऐसा लगा जैसे कि व्यवस्था जो है दैविक कृपाओं से जो मुझे कुछ तकलीफ हुई वो देख पाया। और कहीं कहीं कितने ज़्यादा टफ वातावरण रहे हो मैं उसमें से निकलता ही चला गया। तो टफ था, बहुत टफ था। अब बताइए संजय दत्त, वो कभी समय पर नहीं आते थे भी, सलमान नहीं आते, बहुत से एक्टर नहीं आते, वो इदारे हैं, टाइम ही नहीं लिया है, डेट ही नहीं ली है। अरे वो तो लेट आएंगे, तो पक्का डेफिनेटली लेट आए, आ ही नहीं। देखा क्या कहा था, नहीं आएगा, आया ही नहीं। देखा जाकर उनसे पूछो, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ, पेपर में डाला है तुमने, मुझे पता ही नहीं। 4-5 दिन बाद या 3-4 महीने बाद कहीं मुझे पता लगे कि फलाने भाई साहब को मेरी तरफ से टाइम दे दिया गया। मिलो आप, आपकी समझदारी और पॉलिटिकल वर्ल्ड की वजह से ये लोगों की तकलीफ नहीं आए, जो कह रहे हैं कह रहे हैं, जो हस्ती मजाक उड़ाया जा रहा है, इफ समबडी इज लाइकिंग इट, कोई आकर मुझे ना कह दे कि थोड़ा ज्यादा हो रहा है बहुत इससे आपके काम में असर आ रहा है, तो फिर आपको हक है आप अच्छा आपका काम करें, हमारा ना खराब करेंगे तो अच्छा ही रहेगा, अदरवाइज कहीं तो फिर वो बात।